हो गया, और वहां तो हम सब जानते हैं 18 को चलते, हमको लग रहा था कि हम चले हम चले, हम सबको कह दिए कि हो गया मिशन कर जाए। लेकिन नाराजगी की बात आ रही है कि आप नाराज हो गए तो अब कैसे नाराज, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया पता नहीं तो बीजेपी का उस मीटिंग से क्या लगा था। कार न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की बैठक को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार नाराज हैं और उसको लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे, नीतीश कुमार ने आज तमाम बातों को स्पष्ट तरीके से रखा है और उन्होंने बताया कि आखिरकार हम बैठक से कितनी जल्दी क्यों आए। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो इसी तरीके से बात करते हैं, अटल जी के समय में कभी एनडीए की जो बात हो रही है कि एनडीए की बैठक, पहले कभी बैठक हुई थी एनडीए की, किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जोरदार हमला किया है, इस पूरे बयान को सुनिए। कब हुआ है? 26 पार्टियों की हो गई है नीति। यहाँ तो आप जानते हैं 16 थे जिसमें से एक नहीं आ पाए थे, उनको बाहर चले गए थे, 12 को तो रखते ही, लेकिन कई लोगों को मिला था तो फिर वही रहे, और उसके बाद हमने जो लोगों का नाम और किया वही थे और 8 लोग और फिर गए, तो 26 लोगों की मीटिंग थी और काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई सब लोगों से, असर हो गया। और वहाँ तो हमको आप जानते हैं 18 को बना के चलते, हमको लग रहा था कि हम चले हम चले, हम सबको कह दिए कि हो गया मीटिंग कर जाए। नाराजगी की बात आ रही है कि आप नाराज हो गए, अब कैसे नाराज, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया, पता नहीं तो बीजेपी का उस मीटिंग से क्या लगा था। क्या हो रही है ना, तरह तरह की बात लोग कहते हैं, आप लोग भी यहाँ बैठते हो, हम चले गए थे इसलिए कोई खास बात तो है, वहाँ तो बात हो गई थी, वही उन लोगों को कहना था वहाँ पर कही, कोई ऐसी खास बात नहीं, हम तो बोले दिए थे हम जब उन लोगों को निकलने दीजिए। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये लोग कह रहे कि वो नाराज होकर चले गए, आपको नाम से आप पश्चिम इंडिया नाम से इंडिया नाम नहीं, और तो मीटिंग में सब बात हुई है ना, सब तरह की बात हुई है, सारा तरफ से बात सबने का सुझाव हुआ है और उसको लोग किया था कभी और घोषित किया गया, उसके बाद हम लोग निकले साथे सब खाना खाया है और उसके बाद सब आप लोगों को यह प्रेस के साथ बुला रही थी, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है हमको जाने दीजिए, हम लोग चले गए फिर बिहार में, आपकी मीटिंग चल रही थी दिल्ली में, एनडीए की मीटिंग चल रही थी, क्या मतलब एनडीए का फ्यूचर है, एनडीए का मीटिंग का एनडीए था पहले सिर्फ अटल जी के टाइम में 1999 में बना एनडीए, और उसके बाद ये लोग कभी एनडीए करते थे, पहले एनडीए के हर पार्टी की मीटिंग होती थी अटल जी के टाइम, बाद में कभी हुआ है जी, इंडिया नाम इन लोगों के साथ भी थे, इन लोगों के साथ अभी गए थे फिर पास पास कहा कभी, अभी चूंकि हम लोग एक मीटिंग करवा दिए तो इसलिए इन लोगों को लगा कि एक मीटिंग कर रहे, अब बताइए ना अजय लोगों का नाम आया तो किसी का जानते हैं कौन सी पार्टी, अरे हम लोग क्या तो मीटिंग हुआ है उसमें तो सब नोन है ना पार्टी, 16 पार्टियां तो सब राज्यों की, बाकी सब राज्यों में और भी रीजनल पार्टी वो सब प्लस हुआ है, इनका तो ऐसे ही है, अब किसी को हम निकाल दिए तो वो सब हम तो जान कर कहते कि ज्वाइन करिए बाहर जाइए, हम जानते थे वो रहेगा यहाँ, जो 23 तारीख को होना था और मीटिंग में बैठता तो सब खबर देता था, जान गए थे जो हमने कह दिया था, हम लोगों ने बैठ कर किसी को भेज नहीं सकते, या तो आप मर्ज करिए नहीं तो चाहिए, और 2 दिन का टाइम एक आदमी तो अपनी जगह बना बोलते रहता, ये बनाया कौन पार्टी, इसीलिए सुन लीजिए कोई मतलब वैसे ही अपना चलते रहता है, लेकिन बात यह है कि भाई आप लोगों के साथ के क्या सारे तो मीडिया पर कब्जा कर लिया है और उसी तरह से हम लोगों की बात को पूछ लेते हैं थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन बाकी सब फिर उन्हीं का बात चलेगा, तो देख लीजिए 24 या उसके पहले जब भी चुनाव कराए हम लोग लगे हुए हैं कि वो अलग हट जाए तब फिर आप लोग भी स्वतंत्र हो जाइएगा, मीडिया के लोग फिर सही बात देश के अंदर जो भी है चर्चा उसी की करेगी और उससे देश को फायदा होगा, प्रधानमंत्री पहले कितना बढ़िया होता था जी मीडिया का, क्या बोले हम आपको जब MP थे अजोध थे सब दिन बैठते थे और लोग कितना खुश होते थे, आप लोग आवाज तो नहीं देखिएगा, याद करिए ना जब हम यहाँ MLA थे या दिल्ली में MP थे
जब मंत्री दूसरे में की तरह देखिए था मीडिया का रिपोर्ट, और यहाँ भी जब हम आए थे तब का भी रिपोर्ट हुआ देखिए शुरू में, लेकिन अब क्या है, अब तो कुछ रहा नहीं। ये तो पहले ही से कोशिश कर रहे थे लेकिन 3-4 साल से एकदम पक्का हो गया, तो क्या अब कोई मतलब नहीं। हम तो आप लोगों से जब पूछते हैं सब बात करते हैं लेकिन हम ऐसे ही कहते हैं कि आप लोगों को बेकार कर एनडीए को कितनी बड़ी चुनौती 2024 से होगी, पूरी चुनौती हो गई। और अभी आप जान लीजिए लोगों को पता नहीं है, और जब सही समय आएगा तो इसकी भी संभावना है कि कुछ और लोग भी शामिल होंगे। हम नाम नहीं लेंगे अभी, नहीं तो पता चला कि ऊपर क्या क्या कर देगा उसका। इसलिए सब बहुत अच्छा माहौल होगा और मिल करके देश के हिस्से हम लोग, देश का इतिहास ही लोग बदल देंगे। आजादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं, सब चीज खत्म कर देंगे। अब एक बार भी बापू का नाम लेता है अगर बताइए तो, अक्सर भी अटल जी के साथ के कितना बढ़िया काम करते हैं, सब अटल जी का भी नाम लेता है आप सोचते नहीं। तो इसीलिए इसीलिए वो सब में बात हमको नहीं है, हम तो सबको एक एक बात कह देते हैं। हमारा कोई निजी कोई च्वाइस व्वाइस नहीं है, हमारा एक ही च्वाइस है देश के हित में सब एक, हमारा पर्सनल कुछ नहीं कुछ है। हम तो देश के हित में खाली बात कर रहे हैं, जो उस पर बात नहीं करते उस पर कोई बात नहीं। सुशील मोदी का हालत हमको दुख तो इसी का रहता, जब डिप्टी सीएम नहीं बनाया तो हम दुखी हो गए, बेचारा हम अलग हो गए, तो कोशिश कर रहा है। अधिकृत प्रेस वाले हिसाब से रोज रोज हो रहा आगे उनको मौका मिले तो हम कभी बोलेंगे तो अंडमंड बोलवे करेंगे, अंडमंड बोलेगा ताकि उसको कुछ पटिया में जगह मिल जाए, ऐसा करे हम नहीं किसी तरह से बोलेंगे, सब तो जानते हैं। अगला काहे नहीं, काहे नहीं किया था ये रहे काहे नहीं, और रहते ही तो कोई खराब नौबत न बताती, लेकिन अब क्या कीजिए, चलिए चलिए सब क्या कोई बात। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपने आप जो आर्टिफिशियल जाली के तौर पर 7 मार्च से मिलने कर रहे हैं तो क्या कीजिए, जो तो बता दीजिए तो आप भूल गए हैं लोग 2015 में क्या हुआ, एक साथ लड़के नहीं हुए थे तो वही उन पर केस उस करके हमको फिर सब पीछे पड़ करके लाए वापिस आए, ऐसा कैसे आई उनको पता है जो मेरे खिलाफ बोलते हैं उनको भी आप देखिए पटना यूनिवर्सिटी आज जो आप कहते हैं मेरे खिलाफ तो भी अध्यक्ष बन उस जगह से देखती है तो कौन मदद किया, हम ही ने सबको मदद किए थे जी, हम इंजीनियरिंग कॉलेज तो एक एक चीज तो किए हुए हैं सब ने का, तो सब छोड़िए कोई कहते रहता है बोलिए तो ये कोई मतलब नहीं। आज जो चलिए जो जो लोग मेरे पीछे पड़ के हमको फिर जनता दल से हटा, अब देखिए कहाँ है, भाग गया कहीं से, फिर आया फिर उसको बनाए अब फिर भाग गया, आना चाहता था ना। आज जिसको हम अपनी जगह पर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो क्या हुआ, आई वो IAS अफसर था और उसको सब कहाँ से कहाँ बनाए क्या आपने बताया तो क्या कीजिएगा, अनेक लोग है इधर से उधर, तो हमारा तो दुर्भाग्य है ही ना। इसलिए अब हम इधर उधर नहीं, हम सबके राज के काम करते हैं, पहले हम अपना मर्जी से कर देते अब नहीं, अब सब की राय से काम। सर योगी का नाम रखे जाने पर सर बोल रहे हैं कि सोने के घड़ा में भी जीत होता है।